मंदसौर पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे हाई प्रोफाइल केंद्रों में से एक। यूं तो मंदसौर का सियासत की मुख्य धारा से जुड़ाव का प्रमुख पहलू यहां के किसान हैं, लेकिन इस दफा पूरे के पूरे मंदसौर और उससे लगे नीमच के हालात प्रदेश में सियासी संग्राम की वजह बन गए हैं। दरअसल दोनों ही जिलों में इस बार आसमानी आफत जमकर बरसी। हालात यूं हो गए कि लोगों के सामने जीवन यापन का संकट तक पैदा हो गया। इधर क्षेत्र में आफत ने दस्तक दी, उधर तत्काल इस पर सियासत भी परवान चढ़ गई और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ितों की मदद की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। साथ ही निशाने पर ले लिया प्रदेश की सरकार को। अरे लूटने आयो कि मारने आयो? कमलनाथ जी, तुमने कहा था समूह का कसमू का कर दो माफ, अब बेईमानी कर रहे हो। अब बेईमानी कम, अब भाई बेईमानी नहीं करने देंगे। सुनो मेरी बहनों, पूरे प्रदेश की बहनों सुन लो मीडिया के माध्यम से, और मीडिया के मित्रों मेरे इस संदेश को मध्य प्रदेश के गांव गांव में फैला दो। कोई शंभू का कर्जा नहीं देगा, माफ करना पड़ेगा। हालात वाकई गंभीर थे। पहले प्रदेश सरकार के मंत्री जहां मंदसौर नीमच में मोर्चा संभाले थे, वहां मुख्यमंत्री ने खुद कमान अपने हाथ में ले ली है और जा पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के बीच। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री न सिर्फ राहत कार्यों का जायजा लेंगे, बल्कि लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनेंगे और कोशिश करेंगे आपदा प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने की। कुल मिलाकर प्रदेश के सियासी पटल पर एक दफा फिर मंदसौर उभर कर सामने आया है, जिसे लेकर आमने सामने आ गए हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष। हालांकि ये बात अलग है कि इस बार सत्ता में कांग्रेस है और विपक्ष में बीजेपी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मंदसौर की धरती पर मौजूदा टकराव क्या गुल खिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है मंदसौर रिटर्न। आपको याद होगा जब मंदसौर में किसानों पर गोलियां चली थी, उस दौरान काफी हंगामा खड़ा हुआ था। सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की थी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब उठाया था। हालांकि उसके बाद चुनाव हुए और बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन दूसरी बार फिर चुनाव हुए तो कांग्रेस वहां पर अपना परचम लहरा दी। हालांकि उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा सामने आई, लेकिन अब एक बार फिर चूंकि बारिश ने कहर ढाया है और हमने देखा कि मंदसौर नीमच में कई गाँव में इतना पानी भरा है कि फसलें बर्बाद हो गई है, लोगों के घर बेघर हो गए हैं, घर से बेघर हो गए हैं। सरकार ने लगातार उस पर निगाह बना के रखी और आज प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वहां पर पहुंच भी गए हैं और पहुंचने के साथ ही उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने इस घटनाक्रम के दौरान ये बाढ़ की जिस तरह की एक विपदा सामने आई है उसमें जो परेशानी उठा रहे हैं उन लोगों से मिल रहे हैं। ढांढस बंधाने पहुंचे हैं, कैसे उनके घावों को भरा जाए, कैसे उनके लिए सरकार कुछ करे, तो ये तमाम सारी चीज़ों को आज जानने पहुंचे। लेकिन उससे 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने आह्वान किया कि किसान अपना ऋण अदा ना करे सरकार को माफ़ करना पड़ेगा। हालांकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि जो ऋण माफ़ करना था वो कर दिया है और जो बचा है उसे भी माफ़ किया जाएगा। लेकिन अब मंदसौर एक बार फिर रिटर्न हो गया और मंदसौर की राजनीति जमकर गरमाई हुई है क्योंकि वहां बाढ़ से आपदा आई हुई है। उससे पहले किसानों को लेकर जिस तरह का आंदोलन देखने को मिला था, तो क्या मंदसौर कुछ नया करने वाला है? चलिए आज यही हमारा मुद्दा है। मेरे साथ कांग्रेस के युवा प्रवक्ता रवि वर्मा रहेंगे, मैं उनका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राहुल सिंह रहेंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, वो मेरे साथ जब होंगे तो मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले रवि, आज मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मंदसौर नीमच के दौरे पर है, उसके बाद 2 दिन बाद ऐसा कहा जा रहा है कि सिंधिया भी मंदसौर जाएंगे, तो क्या जिस तरह से वहाँ किसानों का आंदोलन हुआ था उसके बाद कांग्रेस ने काफ़ी हंगामा भी किया था, आंदोलन भी किया था, बल्कि सरकार का एक तरह से कहा जाए पूर्व की सरकार की मुश्किल भी बढ़ाई थी, लेकिन इस बार कुछ माहौल वहाँ का अलग है, तो क्या करने वाली है सरकार? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से जो है मंदसौर, भारतीय जनता पार्टी के लिए मंदसौर और आरएसएस के लिए ये चारागाह रही है। वोटों की राजनीति ये लोग करते आए हैं, मंदसौर के हित में इन्होंने कभी कुछ कार्य नहीं किए हैं।
और जिस तरीके से वहाँ गोलियाँ चलाकर किसानों की छाती पर गोलियाँ चलाई गई, ये पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है। और आज ये किसान हितैषी होने का जो स्वांग रचाया जा रहा है शिवराज जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मैंने 3 दिन पूर्व भी इस बात को कही थी कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आपसी शक्ति प्रदर्शन है, जिसके कल जिस तरीके का कल जो घटनाक्रम हुआ वहाँ के स्थानीय विधायक और जिला पंचायत सदस्य के द्वारा, ये सबने देखा है। ये सिर्फ आपसी वर्चस्व शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस जो है लगातार किसानों के कर्ज माफी की बात हो या अन्य विकास के जो मुद्दे हों, कांग्रेस लगातार सतत उन वादों को पूरा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। और सिंधिया जी के जाने की बात है, सिंधिया जी पूर्व में भी किसानों से मिलने के लिए गए, जहाँ जहाँ हमारे किसान भाई उस बाढ़ से प्रभावित हुए, और दिग्विजय सिंह जी भी गए और आज कमलनाथ जी भी गए। किसान हितैषी सरकार है कमलनाथ, और कमलनाथ जी जो है बिल्कुल डेवलपमेंट की राजनीति के पुरोधा है, और निश्चित तौर पर किसानों के साथ हमारी मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है। और किसान जो है मध्य प्रदेश का अब शिवराज जी के जो है चंगुल में आने वाला नहीं है। लेकिन 10,000 करोड़ का बात कही गई है, केंद्र सरकार से मांगे गए हैं रवि, और ऐसे में जब सरकार का खजाना खाली है तो चुनौती बहुत बड़ी है मंदसौर की। सरकार अन्य वित्तीय संसाधनों के माध्यम से राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। कमलनाथ जी आज गए, निश्चित तौर पर जो है जो मदद हो सकती है निश्चित तौर पर कमलनाथ जी करने जा रहे हैं जी। राहुल, हमने देखा कि मंदसौर में शिवराज सिंह चौहान भी 2 दिन पहले पहुंचे, आज कमलनाथ जी भी पहुंचे, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी है। लेकिन ये सच है कि मंदसौर और नीमच में बाढ़ ने कहर ढाया है, कई घर बर्बाद हुए हैं, लोग बेघर हैं, परेशान हैं, और फसलें भी चौपट हुई है। तो क्या ये राजनीति के चश्मे से इसको देखा जाए शिवराज जी का वहाँ जाना? देखिए, राजनीतिक चश्मे से इसको आप किस प्रकार कहेंगे, अगर कहीं प्रदेश के लोगों पर आपदा आती है, कहीं किसी को दुख होता है, कहीं दर्द होता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये निर्वहन किसका बनता है, ये सरकार का बनता है। और सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है, सरकार यहाँ पे मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में बैठे रहते हैं, उसके बाद 5 किलोमीटर दूर यहाँ पे विसर्जन के दिन 11 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 5 किलोमीटर दूर वो वल्लभ भवन और मुख्यमंत्री निवास से जाके उनको शोक संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं, ये कैसी संवेदनहीन सरकार है। अगर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी का दुख दर्द बांटने जाते हैं, किसी के दुख दर्द और तकलीफ को यहाँ सरकार के लिए लड़ते हैं, तो ये कहां से एक राजनीतिक चश्मे से देखने वाली बात हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार का माहौल बना रखा है इनके। लेकिन राहुल, जब दर्द बांटना है तो केंद्र से मदद करवा दीजिए। लूट और भ्रष्टाचार करके इस प्रदेश की जनता को ले डूबने की कोशिश कर रहे हैं। जो 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ, जो लोगों को योजनाओं का फायदा मिला गया, आज ये कहते थे हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, 100 रुपए में बिजली देंगे, ये वादा कहां गया। मैं कहना चाहता हूं इन्होंने वेट का जो कर लगाया है, वेट का जो कर जिस प्रकार से बढ़ाया है, इनके घोषणा पत्र में ले लीजिए इन्होंने क्या कहा था, पेट्रोल और डीजल से हम लोग राहुल, मंदसौर से मैं कहूंगा अगर मंदसौर के लोगों पे कहीं आपदा आई है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे राहुल, यदि मदद करने की इतना ही कमलनाथ जी मदद करने की इतना ही आप है, आपकी पार्टी ये चाहती है, शिवराज जी ये चाहते हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, 10,000 करोड़ की जरूरत है, सरकार से मदद करा दीजिए ना। केंद्र हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहता है। केंद्रीय जांच दल अभी वहां पे आया है, उसका उसकी एक प्रक्रिया है। केंद्रीय जांच दल आता है, वहां के सरकार के लोग नुमाइंदे रहते हैं, केंद्रीय जांच दल अपना विशेष ब्यूरो सौंपता है, और भारतीय जनता पार्टी के जितने नुमाइंदे उन्होंने भी आग्रह किया है कि अधिक से अधिक मध्य प्रदेश में लोग जो आपदा और पीड़ित में यहाँ पे जिनको ये आपदा पीड़ित में यहाँ से आर्थिक सहायता की जरूरत है उसको यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये संवेदनहीन सरकार है, इन्होंने आज तक मंदसौर में आज 15-20 दिन हो गए, वहां पे बाढ़ में पीड़ित लोगों के घर डूब गए, लोगों के वहां पे जो गाय और बछड़े थे वो बह गए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज 15 दिन बाद वहां पे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ पे उतरी है, इसका जवाब में आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, ये वादा खिलाफी वाली सरकार है। मैं लौट रहा हूं आप पास और आपका जवाब लूंगा। खिलावन जी मेरे साथ जुड़ गए, खिलावन जी स्वागत है आपका, और क्या कहेंगे, क्या मंदसौर रिटर्न हो गया? आपको याद होगा कि जब मंदसौर में गोलीकांड हुआ उसके बाद दोनों पार्टियां, उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और विपक्ष में कांग्रेस थी, लेकिन अब बदल गया, सरकार कांग्रेस की है, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, और सभी की नजर मंदसौर पर है, ऐसा क्यों? देखिए मनोज जी, मंदसौर को मैं पिछले 3 साल में 4 प्रमुख कारणों के रूप में, 4 प्रमुख मुद्दे हैं वहाँ के जो निश्चित रूप से मंदसौर को पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतीय पूरे भारत के पटल पे उनको याद किया जा रहा है। सबसे पहले तो जो 6
जून को वहाँ गोलीकांड हुआ था जिसमें 6 किसान मारे गए थे बल्कि 7वें का अस्पताल में मौत हो गई थी, तो मुझे लगता है तब वो चर्चा में आई थी और लगातार उसको लेकर के कांग्रेस लगातार भाजपा तत्कालीन भाजपा सरकार पर आरोप लगाती रही जी। और उसके बाद जब राहुल गांधी आए थे वहाँ और तब उनने कर्जा माफी जैसे बड़े मुद्दे की घोषणा वहाँ की थी जी। दो बातों के बाद तीसरी बात जब हुई, जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी कि हम लगभग लगभग प्राय सभी सीटें जीत लेंगे, लेकिन एकमात्र सीट वहाँ कांग्रेस जीत पाई और भाजपा को बहुत बड़ी सफलता मिली इन दोनों के बावजूद। और तीसरी, अब जब बाढ़ की विभीषिका को लेकर के हम बात करें तो तीसरी चौथी महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो प्रभावित जिलों में से हैं, दो जिले मंदसौर और उनसे लगा हुआ नीमच, तो मुझे लगता है इन तीनों कारणों से अब वहाँ लगातार राजनीति चल रही है बाढ़ पीड़ितों को मदद को लेकर के। और मुझे लगता है कि क्या लग रहा है आपको मदद हो पाएगी? मदद देर सवेर तो होती है, सरकार कहीं ना कहीं से व्यवस्था करती है, केंद्र भी बहुत गंभीर है इस मामले में, जिस तरह से जांच दल भेजी गई और तत्काल उनका जो है जांच दल द्वारा सर्वे किया गया, सरकार से रिपोर्ट मांगी गई, मुझे लगता है देर सवेर मदद तो होगी। लेकिन वर्तमान में अब बाढ़ की विभीषिका वहाँ नहीं है, अब वर्तमान में बाढ़ से उत्पन्न जो है स्थितियों को से निपटने की जरूरत है। वहाँ बीमारी का भय है, वहाँ महामारी का भय है, वहाँ फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है, वो सड़ेगी गलेगी, उसके कारण बीमारियां फैलेंगी, मजदूरों के पास काम नहीं है, चूंकि सब कुछ तबाह हो गया है। लगभग लगभग मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा प्रभावित मंदसौर ही है जी। इसलिए यदि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज के बाद यदि मुख्यमंत्री खुद वहां गए हैं तो मुझे लगता है कि बाढ़ के बाद जो उत्पन्न स्थितियां हैं उससे निपटने के लिए बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे लगता है जब बाढ़ कहीं आती है, इस तरह की आपदा विपदा आती है, तो उसके बाद जो स्थितियां बिगड़ती है, क्योंकि संक्रमण फैलने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, जो फसलें खराब होती है, उसके बाद किसानों के पास बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, आम लोग की रोटी रोजी बंद हो जाती है। रवि, ये मरहम कैसे लगाएंगे आप? राहुल काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, उसका जवाब भी आप दीजिए, लेकिन क्या ये जो मरहम लगाने की बात चल रही है, सरकार वहां पहुंची है आज, कमलनाथ जी वहां पर मौजूद है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या जो चीजें लोग वहां की मांग कर रहे हैं, बेघर हो गए हैं लोग वहां? मनोज जी, मैं राहुल जी की सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगा। राहुल जी जिस तरह से चिल्ला चिल्ला कर भ्रष्टाचार और फलानी बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार और सरकार और कमलनाथ जी नहीं पहुंच पाए, किसान कृषि मंत्री जी हो या कांग्रेस का हर बड़ा नेता हो, लगातार बाढ़ प्रभावितों का दौरा कर रहा था, और ये भ्रष्टाचार की जिस तरह से बात करते हैं राहुल जी, मुझे इनकी बातों पर बड़ी हंसी आती है कि ये लक्ष्मीकांत शर्मा जी को भूल जाते हैं, ये तमाम उन प्रकरणों को भूल जाते हैं, शिक्षा घोटाला, रेत घोटाला, खनन, और ये सारे मसलों को भूल जाते हैं, ये पाक साफ अपने आपको बताने की झूठी कोशिश करते हैं, ये उस चीजों को भूल जाते हैं जिस तरीके से किसानों की छाती पर गोली मारी गई, एक 58 भर उनका एक कर्ज माफ नहीं किया गया है, अब ये कमलनाथ सरकार थी जिसने 30 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया है, और बाढ़ प्रभावितों के पैसे की जो बात है, जो 14वें वित्त आयोग ने जो पैसा डिसाइड किया था, उसको भी जो है गरीबों का लूट कर अमीरों को देने वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने पैसा काट दिया, 2018 और 19 का भी 153 करोड़ रुपए रोका है, कृषि का पैसा रोका है, रोड का पैसा रोका है, कुल मिला के 32,000 करोड़ रुपए रोका है। मध्य प्रदेश के 28 सांसद क्या करते हैं? एक बार भी किसी विधायक ने या किसी सांसद ने आग्रह किया हो तो वे बताएं आज भी, ये सिर्फ फोटो खिंचाने और कैमरे की राजनीति करते हैं। शिवराज जी जिस तरीके से कल सारा घटनाक्रम मंदसौर में देखें, जिस तरीके से सांसद और विधायक नोट उड़ा रहे थे और पंडाल में जिस तरह की किसानों के जो है मरहम लगाने की बजाय उन पर नमक छिड़का गया, मध्य प्रदेश का किसान इनको कभी माफ नहीं करने वाला है जी। राहुल देखिए, ये तो हंसने की बात नहीं है, मैं तो संवेदनहीनता की बात कर रहा था कि अगर कहीं मुख्यमंत्री भोपाल में बैठे हैं और उसके अगर 5 किलोमीटर पे कोई एक घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो ये दायित्व नहीं बनता है कि प्रशासन का, ये दायित्व नहीं बनता है कि सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे का, और ये बात करते हैं कि कृषि मंत्री वहां पहुंचे। मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश के 55 जिलों में अगर वहां पे कहीं भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इनके प्रभारी मंत्री दौरा करने गया हो, इनके मंत्री दौरा करने गए हो, आज मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। उमंग सिंघार का बयान आप देख लीजिए, वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्या कहते हैं, नहीं, सचिन यादव तो पहुंचे हैं ना, कई जगह पहुंचे, सचिन यादव जी पहुंचे थे, सचिन यादव पूरे मध्य प्रदेश के नहीं है, मुख्यमंत्री आज और उनका दायित्व बनता है। राहुल जी झूठ मत बोलिए, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, मध्य प्रदेश में अगर
कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अधिक दौरा किया है तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अनेकों अनेक योजनाएं चलाई थी राहुल शिवराज जी को अपनी चिंता है कि जनता की चिंता है। लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा बंद कर दिया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा इन्होंने बंद कर दिया, इन्होंने सब योजनाएं बंद करके सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबने का इनका काम है। मंत्री आज दलाली और लोगों को शोषण करने का यहाँ पे काम कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग यहाँ पे दलाली करके सरकार में भागीदारी निभा रहे हैं। रवि इसका जवाब दीजिए आप, फिर मैं खिलावन जी के पास चल रहा हूँ। लेकिन क्या इस तरह की जो बातें कही जा रही, आप तो सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि कैसे, जैसे आपने वेट लगा दिया, वेट के जरिए आप जो पैसा हासिल करेंगे। इनके घोषणा पत्र में देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ था। इन्होंने कहा था हम 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। राहुल आ रहे हैं आपके पास, रवि से जवाब। मैं लौट रहा हूँ। रवि जवाब दे दीजिए इसका। कमलनाथ सरकार जो है अन्य वित्तीय माध्यम जो वित्तीय संसाधनों के माध्यम से जो है किसानों की मदद करने जा रही है लगातार। राहुल जी पता नहीं कौन सी इंटेलिजेंस के माध्यम से इस तरह की बातें कर रहे हैं। तमाम मंत्री आरोप लगा रहे हैं राहुल जी चिल्लाने से नहीं होता है। चलिए ठीक है, राहुल सुनिए हमें पता है आप, राहुल सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। हाँ रवि बोलिए। सुनने की धैर्य रखिए। अरे उमंग सिंघार ने जो, अरे बोलने तो दीजिए राहुल। राहुल बोले दी, पटेल जी ने भी आरोप लगाए थे डंपर घोटाले। पटेल जी ने कोई ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं की, तमाम अखबारों में ये बात छपी थी, तमाम आरोप। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है मैं किसानों की बात कर रहा हूँ और आप दुनिया भर की बातों पर जा रहे हैं। दोनों मित्र खिलावन जी ये देख रहे हैं आप, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों उनके प्रतिनिधि मेरे साथ बैठे हुए, अपने साथ बैठे हुए। लेकिन क्या जिस तरह से मरहम लगाने की जो बात कही जा रही, एक बहुत बड़ा कर्ज की आवश्यकता है, 10,000 करोड़ मांगे गए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये पैसे की व्यवस्था होगी कैसे और आगे चलकर, जैसे आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो क्या लग रहा है आपको, मुख्यमंत्री क्या और कुछ देने वाले हैं मंदसौर में? देखिए मुख्यमंत्री जी क्या देंगे ये तो अभी गर्त में है, शाम तक पता चल पाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ये है कि एक जब सरकार में कोई रहता है तो मुख्यमंत्री के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि वो हर जगह जाएं। बिल्कुल सही। और जब विपक्ष में कोई रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उनके पास बहुत समय रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पीड़ित परिवारों के बीच जाते हैं, पहुंचते हैं। हमने वर्षों से देखा है ये बात। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात वो ये यही है कि जिस तरह से फ्लड कंट्रोल किया गया उस समय, यदि जिस तरह से वहाँ से फीडबैक आई कि यदि फ्लड कंट्रोल नहीं किया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा विभीषिका और ज़्यादा बढ़ सकती थी। जैसे आपने आप होशंगाबाद के रहने वाले हैं, आप जानते हैं कि यदि तीनों बांधों के पानी को कंट्रोल नहीं किया जाए तो भयावह स्थिति होशंगाबाद में देखा 99 में, लगभग यही स्थिति वहाँ है। दो बड़े बांध हैं गांधी सागर जिनसे पानी छोड़ा जाता है और उनको कंट्रोल यदि नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से भयावह स्थिति हो सकती थी। प्रशासन ने भूमिका तो बहुत अच्छी निभाई। समय रहते मुझे जो फीडबैक मिला है, समय रहते प्रशासन ने बेहतर काम किया और नहीं तो ज़्यादा विभीषिका होती। और अब जैसा कि आपने कहा कि क्या 10,000 करोड़ मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ मिल भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अध्ययन दल ने जो फीडबैक सरकार को यहाँ से अध्ययन के बाद, यहाँ से सरकार के फीडबैक लेने के बाद केंद्र को दिया है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राशि नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी दुगनी तिगनी राशि राज्यों को फ्लड बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए, फसलों की क्षति के लिए, किसानों की सहायता राहत दिलाने के लिए दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार के लिए बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो बार बार कांग्रेस उठाती रही है वो ये है कि भाजपा के सांसदों को भी जाना चाहिए, रुके हुए पैसे दिलाना चाहिए, बल्कि ये भी करना चाहिए कि फ्लड से निपटने के लिए या विभीषिका से निपटने के लिए जो राहत पहुंचाई जाए। मध्य प्रदेश सबका है। जो सांसद चुने गए हैं 28 सांसद उनका भी है, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ से उनका भी है, हमारा भी है, आपका भी है, कांग्रेस का भी है, भाजपा का भी है, जनता दल का भी, सभी लोगों का है। तो मुझे लगता है कि राजनीति से परे हटके यदि हम
पीड़ितों को मदद दिलवा सके समय रहते तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और जिस तरह से कांव-कांव दोनों दल के लोग चिल्ला रहे हैं तो मुझे लगता है कांव-कांव चिल्लाने से कोई समस्या का हल नहीं जी। लेकिन एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि आज कमलनाथ जी पहुंचे हैं, दो दिन बाद सिंधिया भी वहां पहुंच रहे हैं, एक दिन पहले शिवराज भी वहां पहुंचे थे, तो इतनी राजनीति क्यों नजर आ रही है मंदसौर में? मंदसौर मैंने बताया ना आपको, चार कारण राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया आजकल जी जी। और अब तो ये भी पता मतलब क्या मध्य प्रदेश के किसानों की राजनीति मंदसौर से ही शुरू होती रहेगी अब? हाँ, मंदसौर से ही शुरू होती रही है। वहाँ बहुत अफीम उत्पादक किसान है भाई, वहाँ मंदसौर और नीमच में। और कितने अफीम उत्पादक किसान, कितने रईस होते हैं, कितने धनाढ्य होते हैं, ये आप और हमको सबको मालूम है। और वहीं से बहुत सारे काम भी शुरू होते हैं अफीम को लेकर के। तो मुझे लगता है कि पूरा ध्यान जो केंद्रित हो गया है वो वहाँ इसलिए हो गया है वर्तमान में कि वास्तव में जो है बाढ़ की विभीषिका का सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश ये बात सच है तो वो मंदसौर में थी। बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं वहाँ, बहुत सैकड़ों लोगों के घर बाढ़ बह गए हैं। यहाँ तक आपने मंदिर को भी क्षति पहुंची, मैंने आज ही एक रिपोर्ट पढ़ी है पशुपतिनाथ जी को भी, वो लगातार डूबे रहे वहाँ, पूजा भी नहीं हो पाई, पूजा भी नहीं हो पाई तीन चार दिन तक। तो मुझे लगता है कि जो राहत दिलानी चाहिए, जो सोयाबीन की खेती वहाँ होती है इस अवसर पे, तो सोयाबीन की खेती तो 100% चौबट हो गई है। क्योंकि सोयाबीन यदि दो दिन पानी में डूबी रहे, यहाँ तो 7 दिन 8 दिन तक पानी में डूबना पड़ा फसल को, तो 100% बर्बाद हो चुकी है फसल। किसानों को राहत पहुंचाना, वहां के बेघर हुए लोगों को राहत पहुंचाना बहुत जरूरी है, और राजनीति से परे हटकर इस काम को करना चाहिए। रवि, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां जाने वाले थे, ये पहले से तय हो गया था 25-26 को, लेकिन 23 को आज मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है कि सिंधिया के आने से पहले शायद सरकार को चिंता हुई, सरकार वहां पहुंच गई, क्या ऐसा भी कुछ है? और तमाम सारे नेता कांग्रेस के वहां पहुंच रहे हैं, क्या इस बार मंदसौर से कुछ और नया होने वाला है? नहीं, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार जो है मध्य प्रदेश में लगातार जो है हर जिले के लिए संवेदनशील है। सिर्फ मंदसौर ही नहीं, हमारे लिए सारे जिले महत्वपूर्ण हैं। और कांग्रेस के तमाम नेता हर जिलों में जा रहे हैं, सिंधिया जी पहले भी गए, दिग्विजय सिंह जी भी गए, कमलनाथ जी भी जा रहे हैं, और सिंधिया जी पुनः जा रहे हैं। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होना चाहिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, जिनके धरने प्रदर्शन ही एक मत नहीं होते हैं, और अलग अलग तारीखों में धरने प्रदर्शन होते हैं, और धरने प्रदर्शनों में भी लोग एक तारीख भी बदल जाती है फिर जी। निश्चित तौर पे एक हेमोम और उगाटी भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम हो सकता है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस का हर नेता जो है मध्य प्रदेश के किसान और आम जन के साथ है। राहुल, आप देखिए, आपके नेता वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी भी बटी बटी सी नजर आ रही है। जैसा आप लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन किया करते थे, वो चीजें कहीं वैसी नहीं दिख रही। कभी तारीख 20 तो होती है, कभी 22 हो जाती है, फिर 20। वो थोड़ा तारीखों में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने 20 तारीख ऊपर नीचे हो रहे या नेता ऊपर नीचे हो रहे। 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आह्वान पर संपूर्ण जिलों में विधानसभाओं में ये प्रदर्शन किया गया, जहां पे किसानों को परेशानी थी। और मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, इनके नेता सड़कों पे उतरकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बैनर लगाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर लगाते हैं कि इनको अध्यक्ष तय कर देना चाहिए, इनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। हम इनको आह्वान करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भाई, आप लोग पहले तो तय कर लीजिए, आपके कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं में मनमुटाव हो रहा है, आप क्या प्रशासन चलाने की बात कर रहे हैं, आप क्या सरकार को चलाने की बात कर रहे हैं? जब आपके नेता सड़कों पे उतर के एक को अध्यक्ष बनाने की मांग करते हैं, और एक कहता है कि नहीं, ये अध्यक्ष होना चाहिए, एक मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ मंत्री पे आरोप लगाता है, एक रेत खनन में पैसा खाने का आरोप लगाता है, एक TI की पोस्टिंग का आरोप लगाता है, ये सरकार चल रही है कि मजाक चल रहा है? आप क्या बताना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि हमने बहुत बड़ी भूल की है कांग्रेस की सरकार बनाकर? अगर आपको तय करना है तो आपके मंत्रियों को एक मत होना चाहिए, और एक मत होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी सरकार बीजेपी को एक मत नहीं होना चाहिए। भारती देवी का यह बयान आता है कि मेरे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी नहीं है, मेरे मुख्यमंत्री सिंधिया जी है। उसके बाद प्रबुद्ध सिंह तो बीजेपी जो अलग अलग कर रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप? कमलनाथ जी खड़े होकर स्टेटमेंट, राहुल बीजेपी के लिए तो कुछ बोल दीजिए, बीजेपी के नेता भी तो अलग अलग भाग रहे हैं, कहीं राकेश सिंह है, कहीं सुधा। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के पहले उन्होंने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर जा रहे हैं, तो कमलनाथ जी आज चेत गए और अचानक उन्होंने मंदसौर जाने का प्लान बनाया। अगर आपको वहां पर लोगों को बीजेपी का नहीं बताएंगे आप,
देखिए मैं कहता हूँ वहाँ पे मंदसौर में जो पीड़ित लोग हैं उनके सिर्फ मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं और आधार कार्ड लिया जा रहा है। किस सर्वे का काम है? आप पहले वहाँ पे तहसीलदार भेजिए, उसकी रिपोर्ट देखिए, किसी का 1 लाख का नुकसान हुआ है, किसी का 2 लाख का नुकसान हुआ है, किसी का 5 लाख का नुकसान हुआ है। आपने एक साथ सभी के मोबाइल नंबर ले लिए, एक साथ आधार कार्ड ले लिए, राहुल जी सर्वे का काम सतत प्रक्रिया के तहत चल रहा है। बताने दीजिए प्रक्रिया क्या। राहुल आप मौके पर गए, आपके मौके पर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कहा मौके पर गए, हमारे लगातार सर्वे कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं? जब बाढ़ वहाँ पे हुई थी 10 दिन पहले जाना चाहिए, शिवराज जी वहाँ पे धरने पे बैठे, उसके बाद हमारे कृषि मंत्री तत्काल पहुँचे, मात्र सिर्फ कैमरे की राजनीति करते हैं। समझ सकता हूँ आप मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रवि। ठीक, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल रवि और किलावन जी मेरे साथ जुड़े, आप तीनों का धन्यवाद। लेकिन ये सच है कि मंदसौर की स्थितियां बड़ी बिगड़ी हुई है, वहां पर जिस तरह के हालात बने, खासकर बाढ़ ने कई घरों को बेघर कर दिया, लोग परेशान हैं। लेकिन तारीफ करना होगा वहां की सरकार, वहां के प्रशासन का, कि उसने जिस तरह से एक तैयारियां की थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, बाढ़ की विभीषिका होने के बाद भी कहीं कोई जनहानि देखने को नहीं मिली। ये सच है कि प्रकृति पर किसी का बस नहीं होता है, प्रकृति तो अपने आप में चलती है पर कभी कभी कहर बनकर दिखती है, और ऐसा ही कुछ मंदसौर नीमच में हुआ। बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, शिवराज पहुंचे या मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पहुंचे, जरूरत तो वहां के लोगों को मदद की है, और हमें लगता है यहां सबको मिलकर उनका सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।